हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, जय माता जी, राम राम, सीताराम। तो दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 3:30 बज गए हैं। तो मैंने अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हम सुबह में टूर ले रहे थे। अभी यहाँ पर दर्शन हंसिका सभी साइकिल चला रहे हैं पीछे, तो देख सकते हैं पीछे तो दर्शन साइकिल चला रहा है। इस तरफ वंशिका और नव्या दोनों चला रहे साइकिल, और बोल तो तुमको ऐसा खेल साइकिल लेनी हो तो पैसा बेटे करके ले लेना। तो वंशिका ने क्या कहा दोस्तों, वो आप तो पीछे दर्शन साइकिल चला रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला था, क्योंकि सुबह हम टूर ले रहे थे तो फिर टाइम नहीं मिला था। तो अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट कर दिया है, तो पीछे देख सकते हैं मेरा जुआर खा रही है, सूखी जुआर। तो अब वो खाना भी खाना स्टार्ट कर दिया है हमारी मीरा ने, तो हमने थोड़ा घास भी डालना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों मीरा को अब हमने खाना का जो मूँगफली का चारा और सूखी जुआर वो सब डालना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खा रही है, इसलिए अभी हमने इसको डालना स्टार्ट कर दिया है। और देखिए अभी गोपी भी सूखी जुआर खा रही है, तो हमने कुछ देर पहले डाल दी थी तो अभी खा रहे हैं। तो चलिए अभी गाय बछड़िया का आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 4, तो 4 बजे की चाय भी आज बन गई है। तो मम्मी चाय बनाकर आ गए, तो चाय भी पी लेते हैं। तो देसी चूल्हे पर बनी हुई चाय आपको पीनी है, तो आ जाए चाय पीने के लिए। वैसे फिर से कहता हूँ आपको कि कल जो मैंने गुजराती में व्लॉग बनाया वो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट भी ज़रूर कर देना। और पीछे वंशिका आ गई, तो गुड इवनिंग क्या वंशिका? गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते, नव्या तू बोल। तो नव्या दोस्तों कुछ नहीं बोले, तो चलिए चाय पी लेते, तो चाय वरना ठंडी पड़ जाएगी, तो चाय पी लेते। तो हमारी मेरा गोपी है वो सूखी जुआर खा रही है, तो अभी वंशक के का भी कुछ कहेगी। तो वीडियो करना शुरू किया से मुझको बहुत मजा आ रही है, तुमको ऐसा कोई शुरू करा तो वीडियो लाइक करके सर जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों वंशिका ने कहा, इसलिए आप जरूर से वो सब कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और दर्शन यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, तो देखिए क्या नहीं हुआ। गुड इवनिंग, क्या जोर से बोल। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। तो चलिए यहाँ पर है हमारी नंदिनी, और इस तरफ हमारी जो मीरा सूखी जुआर खा रही है। तो मीरा, मीरा हाय बोल, हाय मीरा। तो देखिए मीरा सूखी जुआर खा रही है, जो मूँगफली का चारा यहाँ पर डाला है वो भी कभी कभी खाते हैं। तो ये थे हमारी प्यारी सी मीरा, और दर्शन भी अभी भी दिखा रहा है आपको। तो दर्शन के लिए एक लाइक भी ज़रूर कर देना दोस्तों, इन बच्चों के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए आगे जाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी सूखी जुआर पड़ी है, जो गर्मियों के सीज़न में हमने लगाई थी वो, और यहाँ पर है हमारी बछड़ी। अभी तक इस बछड़ी का हमने नाम नहीं रखा, और यहाँ पर है बफेलो हमारी, तो यहाँ पर गौरी, तो इसका तो नाम अपने आपको याद भी रह गया होगा। तो यहाँ पर है हमारी राधा, तो देखिए तो अभी उस बछड़ी का भी नाम नहीं रखा। यहाँ पर एक बछड़ा है और यहाँ पर एक, तो यहाँ पर हमारी बदमाश टीलू। तो देखिए ये तो सुने भी नहीं देती है, और एक प्यारी सी बछड़ी यहाँ पर भी है।
और दोस्तों यहाँ पर अभी हम एक नया ही प्रयोग करने वाला है, जो ये सूखा घास है वो अभी जला रहा है, जो इसकी दवाई बनानी है। कल पे रे घड़ी रे बोलू पहला जगवा दे। तो दोस्तों अब अभी हम एक नया प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब में कि जो घास जलाने की दवा बनाते हैं, घास हमारे खरपतवार जो निकल आता है उसको जलाने के लिए जो हम जो केमिकल दवाई छिड़कते हैं, ये ऑर्गेनिक दवाई है, इससे कुछ ज़मीन में कुछ असर नहीं होता, जो आड़ असर कुछ नहीं होता इससे। तो अभी हम इसका ट्राई कर रहे हैं, जो हम सक्सेस होंगे तो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आगे आगे देखते रहिए दर्शन। तो अभी इस घास को हम जलाएंगे, तो इसकी प्रोसेस तो है, इसमें इसका जो राख होता है उसकी दवाई बनानी है। तो इस राख में हमें शक्कर डालना है और 1 लीटर दूध डालना है, इस तरह से ये दवाई बनती है। तो इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो इसमें सक्सेस मिलेगी तो आप सभी को मैं बताऊंगा ज़रूर। तो देखिए अभी सभी गाय और बछड़ियाँ यहाँ पर सूखी ज्वार खा रहे हैं। तो पहले दोपहर को हमने मूंगफली का चारा डाला था, उसके बाद पानी पिलाने के बाद अभी हमने सूखी ज्वार डाल दी है। और यहाँ पर भैया अभी जो घास है वो जला रहा है, इसकी राख बना रहा है। तो चलिए अब जाते हैं गेहूँ देखने के लिए। वैसे परसों के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, तो आज भी दिखा देता हूँ। और कुछ ऐसे व्यूवर है उसको हमारा खेत बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं हर कोशिश करूँगा कि हर दिन दिखाता ही रहूँगा। तो इस तरफ है हमारी तुवेर, ये तुवेर अब कल से इसमें स्टार्ट कर देंगे लेना। जो उस तुवेर देख रहे उसमें हम सुबह में ले रहे थे, जो पहली बार हमने भिंडी में ली थी। तो देखिए हमारे गेहूँ इतने बड़े हो गए हैं, तो देखिए ये गेहूँ भी हमारे बहुत ही अच्छे हो गए हैं। तो दोस्तों दर्शन अभी भी दिखा रहा है वो जो उसके हाथ में है, तो ये काइट का जो पीछे वाला पूछ आती है वो दिखा रहा है यहाँ पर। तो चलिए आगे आगे वीडियो देखते रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना दोस्तों। अभी हम ये जो आपने आगे गेहूँ देखा और ऊपर जो हमने जुआर लगाई है उसमें अभी ऑर्गेनिक दवाई छिड़कनी है अभी। तो जो मैंने 5 पण की अर्क बनाया है, जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कुछ वीडियो पहले, वो दवाई इस गेहूँ में छिड़कनी है, क्योंकि जो जीवात आने से पहले ही हम छिड़क देंगे उसमें, ताकि ये जीवात ना आए तो गेहूँ भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। जब जीवात आ जाती है इसमें कीड़े, तो ये ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए जीवात आने से पहले ही हम इसमें दवाई छिड़क देते हैं। तो आगे आगे देखते रहिए, तो जब टाइम मिलेगा शाम में तो वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो यहीं पर आप ख़त्म करेंगे। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो हमारी गाय बछड़िया का गोबर है, तो इसको जलाना है, तो इसकी भी दवाई बनती है, तो वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। और देखिए अभी भी भैया वहाँ पर जला रहा है, जो उस तरफ हमने रखा है, जो हमने गर्मियों के सीज़न में इस तुवेर में से निकाला था वो वहाँ पर डाल दिया था हमने। तो अभी यहाँ पर भैया जला रहा है, तो इसकी दवाई बनानी है, वो तो मैंने आपको आगे बता दिया। और वंशिका नैया कुछ कहना चाहती है पर कैमरे के सामने नहीं बोल पाते, तो बोलवा हूँ बोलवा तुमसे नाडी क्या हंसत बोलो बोल बोल नहीं आवड़तू तो चलिए दोस्तों अब मुझे जाना है दवाई छिड़कने गेहूँ में। तो आगे आगे वीडियो देखते रहिए, और अभी तक का अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दे, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।
दोस्तों, तो अभी बज गए हैं शाम के 5:45 बज गए। तो इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते। तो आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाभी यहाँ पर वालोर की सब्जी काट रहे, तो आज रात को वालोर की सब्जी बनेगी। जो पापड़ी वालोर आती है उसकी सब्जी बनेगी, तो उसकी सब्जी बहुत ही मज़ा आता है खाने में। जो पापड़ी वालोर आती है तो वो मैं कभी बाद में आपको दिखाऊँगा। तो दर्शन साइकिल चला रहा है, तो दर्शन बाय कह दे, बाय बाय के बाय। तो चलिए फिर मिलता हूँ। और वंशिका और नव्या खेल रहे, वो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे। तो वंशिका और नव्या खेल रहे, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।